कांग्रेस नेता कैप्टन अजय यादव ने केंद्र और हरियाणा सरकार पर निशाना साधा और कहा कि अब चाय बेचने वाला देश बेच रहा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने वन रैंक वन पेंशन की बजाय नो रैंक नो पेंशन कर दिया। वन पेंशन तो दिया नहीं, अब कर दिया नो रैंक नो पेंशन। ये कहते हैं मोदी की गारंटी। यहां पर आए थे 2014 में, वन रैंक वन पेंशन की बात कही थी, वो तो गई पता नहीं कहाँ बात। आज तक हमारे फौजी भाई लड़ रहे हैं वन रैंक वन पेंशन के लिए। नौकरी कर दी 4 साल की, जहाँ भर्ती 40,000 होती थी, साल 1,00,000 होती थी, उसको घटा के 40,000 कर दी। इसमें से 25,000 हर साल 4 साल के बाद अपने घर आ जाएंगे। 15,000 केवल सैनिक हमारे 1 साल में भर्ती होंगे देश में। हम लड़ाई हमारी चीन से है, जिनकी सेना सबसे बड़ी सेना आज भी है। आप अपनी सेना की नफरी कम कर रहे हैं।